विधायक छोटी बहन सीमा त्रिखा ने इको ग्रीन कंपनी के बारे में पूछा है। फरीदाबाद गुड़गांव में क्लस्टर के एकत्र ठोस और एफिशिएंट प्रबंध के लिए एक परिवहन के लिए एक विकास परियोजना में से इको ग्रीन कंपनी को 2017 में 22 वर्ष के लिए आउट की गई है और गुड़गांव और फरीदाबाद का क्लस्टर जो जो बीच में इको ग्रीन है उसके समझौता हस्ताक्षर भी हुआ है। और जहां सीमा जी ने पूछा है कि इसके क्या है कि कितना पैसा दिया और इसका क्या जो इसको पावर बनाना था, एक पावर हाउस ही बनाना था इसको 10 मेगावाट का और 6 एकड़ बहुत लंबे चर्गा को पर्यावरण से एनओसी भी नहीं मिल पाई हमको, उसे क्लियरेंस से समय लगा और 6 एकड़ जमीन अभी निगम ने दी है 10 मेगावाट का, जल्दी हम एनओसी के बाद हम लगाने जा रहे हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी जानकारी मांगी है 2017-18 में कितना पैसा दिया है अब तक, और हमने जो इको ग्रीन जो कंपनी थी एक मैट्रिक टन पे 1,000 रुपये पहुँचाने का लिए हमने दिया था जो एमसीएफ में, और इस पर 100 करोड़ रुपए बनते हैं साल के और 76 करोड़ दोनों गुड़गांव फ्रीजा में 76 करोड़ को दे चुके हैं और लगभग 853 मैट्रिक कचरा क्लस्टर का द्वारा एकत्र परिवहन किया जा रहा है और अब तक लगभग 10,70,000 मैट्रिक टन क्लस्टर द्वारा एकत्रित परिवहन किया गया है। सफाई और कचरा संग्रहण के मामले में नगर निगम फरीदाबाद को लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में नगर निगम फरीदाबाद 88वें के स्थान पर था और 20 में यह 38वें स्थान पर आया है, इसका लाभ मिला है। और हाँ, तीसरा और पूछा है, नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार इको ग्रीन कंपनी अनुबंध समझौते के उल्लिखित दायरे में अनुसार काम कर रही है और उल्लंघन के मामले में अगर कंपनी कोई काम उल्लंघन करती है निगम के काम का 2 करोड़ 14 लाख रुपए से जुर्माना भी लगाया है। और तीसरा इसमें की भी संख्या क्या है, नगर निगम में जो 4 पहिया 3 पहिया जो लगाए हैं जो उनकी पूछिए उनके बारे में कितने हुए हैं कि उसमें जो चौपहिया हैं 279 हैं, तिपहिया 423 हैं, टोटल व्हीकल 702 हैं। एक ये भी जानकारी मांगी है कि भाई आप जो इनको ये जो कूड़ा उठाते हैं उनकी कोई पर्ची काटते हैं, तो सारे रिपोर्ट के साथ इसमें तैयार है और इसी इको ग्रीन की पर्ची भी कटती है, अगर कोई नहीं मांग कोई मांगता है तो उसको पर्ची देते हैं, इसमें 5 रुपये भी है 10 रुपये भी है, जैसे 5 रुपये बीपीएल के लिए, 100 वर्ग के लिए 20 रुपये, 100 वर्ग से 200 मीटर 40 रुपये, 200 वर्ग से लेकर 50 और 400 से ऊपर 100 रुपये, ईडब्ल्यूएस फ्लैट को छोड़कर 200 वर्ग से 50 रुपये। इसकी पूरी पटल पे है पूरी जानकारी, कॉमर्शियल भी हैं इंडस्ट्री भी हैं सबकी जानकारी है, और कोई जानकारी होगी विधायक जी वो भी हम आपको देंगे।